हिंगनघाट शहर के पास के नानगांव शिवारा में लक्ष्मी नारायण विठलदास दागा के खेत में एक गोदाम ने पुलिस में छापेमारी की है और शहर के दो गोदाम को सील किया है। स्कूल पोषाहार गड़बड़ी मामले में हिंगनघाट शहर के तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 3 दिसंबर को पुलिस से प्राप्त सूचना मिली कि स्कूल पोषाहार के 90 बोरे चावल, कुल 4,500 किलो चावल और 523 खाली बोरे जिनकी कीमत 1,01,615 रुपए है, यह जब्त किया गया है। सेवाग्राम में कार्रवाई के बाद पुलिस ने इस रैकेट को नष्ट करने का निर्णय लिया। सेवाग्राम में स्कूल पोषाहार घोटाला सामने आने के बाद हिंगनघाट स्कूल पोषाहार घोटाला सामने आया है। सेवाग्राम में ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इस रैकेट को नष्ट करने का फैसला किया है। जिला परिषद स्कूलों में पहुंचाए जाने वाले स्कूली पोषाहार को निजी गोदाम में भंडारण करने की घटना सामने आई थी। इसमें स्कूल पोषाहार के 50 किलो वजन के 90 बोरे में से कुल 4,500 किलो चावल और 523 खाली बैग, कुल 1,01,615 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस मामले में आरोपी विलास बालकृष्ण वाघमारी उम्र 44, अक्षय प्रकाश भांडवलकर उम्र 29, संजय किशोर कनुचिया उम्र 47 सभी हिंगनघाट निवासी हैं। पुलिस आगे की जांच करी है। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।